मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा है। इस तरफ क्या है भाई साहब? इस तरफ पता नहीं, और इस तरफ क्या है? भुजी बात है, ये भी पता नहीं। तो आगे चलते हैं। तो भाई लोग, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन 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 भाई साहब, ये भी एक रास्ता है। छोटू आ रहा है क्या? तू जाता हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ तो है, कुछ है, कुछ अभी अभी कुछ चिल्लाया यहाँ पे। लेकिन उस तरफ जो रास्ता है भाई साहब, हमें तो डर लगा, यहाँ पे चारों ओर भूल भुले ऐसा है। नहीं रे भाई, चलते हैं। नहीं 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 नहीं, चलते हैं। तो भाई इस, वाह, तो भाई इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हमारा जो है सफ़र शुरू होता है यहीं से, और हम अभी जाने वाले हैं पूजा डूंगरी। जी हाँ, बुलावा एक और बार आ चुका है माँ चंदलीपाट जी का, और हम जा रहे हैं पूजा डूंगरी। तो चलिए चलते हैं, कैसा कुछ है माता का जगह। हालांकि मैं एक बार जा चुका हूँ पहले भी, तो चलिए चलते हैं। शुरू करते हैं आज का सफ़र और चलते हैं माँ चंद्रीपाठ की जगह। जी हाँ, हम जा रहे हैं पूजा डूंगरी। ताल लेगी ना जो चुका ना खाएबू यहाँ टिके देखा वो आ तो बात हो। डिस्ट्रिक्ट में आता है, और सोनपुर से लगभग 40 किलोमीटर, बरगढ़ से 42 किलोमीटर, और इसका करीबी टाउन है बरपाली। बरपाली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में आता है, और यहाँ माँ चंदलीपाठ जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस जगह का नाम पूजा डूंगरी है। तो चलिए चलते हैं पूजा डूंगरी। तो भाई साहब, इस तरफ है रास्ता जो है, इस तरफ है पणकी टाल उस ओर, और पणकी टाल से आप आगे आते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर से ये राइट लेना होता है, और इस वाले रास्ते से जो है 5 किलोमीटर ही रह जाता है पूजा डूंगरी। सारे आपको दिखेंगे, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन जो है लगभग यहाँ से और 3 से 4 किलोमीटर ही रह जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से तो भरी हुई है पूजा डूंगरी, लेकिन साथ ही साथ हमको यहाँ इतिहास के कई पन्ने भी दिखने को मिलते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक वन सेकेंड इन ए न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज जो है हम पहुंच गए हैं माँ चंदलीपाठ जी की मंदिर पर, और आपको दिखाने वाले हैं माँ चंदलीपाठ की पूजा डूंगरी। तो चलिए चलते हैं, कैसा कुछ है देखते हैं। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो ये बोर्ड लगा हुआ है, पहले आप देख लीजिए, ये ऐसा कुछ है। देखिए, पहले तो माँ चंदलीपाठ का मंदिर, बाबा मठ, राजा भेट गदी, ऐसा कुछ बहुत सारा कुछ जो है जो हम सब आपको दिखाने वाले हैं। पहले तो आप ये देखिए, एक्चुअली ये है माँ चंदलीपाठ का मंदिर नहीं है, खुले में ही माता जी जो है पूजा किया जाता है माता जी का यहाँ पे। तो भाई साहब, जब आप यहाँ आते हैं तो यहीं से लेफ्ट साइड की ओर ये देखो,
अंदर की ओर एक छोटी सा रास्ता जाता है, यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए भी जगह है। और मंदिर के राइट साइड पर भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप पिकनिक मना सकते हैं। और सामने ही एक छोटी सी, सामने ही छोटी सी नहीं कह सकते, एक पानी के लिए इंतज़ाम है, मतलब कि एक बोरिंग बना हुआ है, आप यहाँ से पानी वगैरह ला सकते हैं। और पहले ही आप जब आते हैं पूजा डूंगरी तो पहले ऐसे कुछ सीढ़ियाँ आपको दिखेंगी। और बहुत ही अच्छी जगह है यार, ये हवा कहाँ से आ रहा है इतनी जोर से। तो कुछ सीढ़ियाँ जो है आप चढ़ने के बाद ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखता है, लगता है आपको जैसे कोई छोटी सी गली से आप जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही चौड़ा रास्ता है, 8-10 फुट का होगा। और ये जो सीढ़ियाँ हैं लगभग 200 से ज़्यादा ही होगा। और ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको ये छोटी सी रास्ता दिखेगी लेफ्ट साइड की ओर, यहाँ से एक व्यू पॉइंट की ओर रास्ता जाता है, जो है वहाँ पे है, हम वहीं पर भी जाने वाले हैं। तो पहली पड़ाव जब आप चढ़ लेते हैं तो आपको ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखता है। ये देखिए सामने बहुत ही बड़ी जो है पहाड़ जैसी एक पर्वत, एक पत्थर है, और लेफ्ट साइड की ओर ये पूरी ही पूरी एक पहाड़ ही है, छोटी सी पहाड़। और यहाँ से एक छोटी सी रास्ता जाता है जो कि आगे जाकर यहीं पे निकलता है, और यहीं पे ही एक छोटी सी गुफा है जिसका वीडियो हम बाद में आपको दिखाने वाले हैं। एक्चुअली यहीं पर ही वो भूल भुलैया वाला गुफा है, पत्थर जो है गिर जाएगा क्या? ना पड़े लौट की करी अच्छी पत्थर थी। ओ तू तो बहुत ही स्मार्ट है। ओ भाई साहब यहाँ से ये नज़ारा तो देखो कैसा लग रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड भी एक जो रास्ता है वो गुफा की ओर जाता है, हालांकि यहीं पे एक छोटी सी पत्थर जो है ब्लॉक करके है वहाँ पे। और ये देखो भाई साहब ये है सेल्फी पॉइंट। भाई साहब क्या मौसम बन चुका है अभी, वाह क्या लग रहा है यार, ठंडे ठंडे हवा चल रही है और नज़ारा जो है वो आप कैमरे पे तो जस्टिफाई नहीं होगा जो नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअली मैं छोटू भाई से कुछ सुनना चाहूँगा, क्या बोलना चाहेगा बोल तो जरा इस नज़ारे के बारे में। खाना खाएंगे
ये जगह मस्त अच्छे भल अच्छे हेले मत बहुत खुश लगे जे ठुका टिके दोजे दो वाह भुजी बात खेले भी हंता बोलने लागे वाह भाई वाह क्या नजारा है ये देखिए तो जरा ये नजारा ऐसा पूजा डूंगरी के ऊपर पर जब आते हैं तो यहीं पर एक मंडप है और यहीं पे जो है हमारे हनुमान जी विराजमान है। देखिए आप यहाँ पे कितने खुश लग रहे हैं यार भगवान जी ऐसी जगह पर कौन भला खुश नहीं होगा। एक्चुअली ये है पूजा डूंगरी जैसे कि आप जानते हैं और पूजा डूंगरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे माता चंद्रीपाठ जी की पूजा की जाती है और पूजा डूंगरी के और भी कई सारे जो है खासियत बोल सकते हैं जैसे कि यहीं पे वो है नीचे गुफा का भूल भुलैया सा बना हुआ है हम वहीं पे भी जाने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा यहीं पर भी एक गुफा है जहाँ जो है मुनि जी यहीं पे रहा करते हैं। क्या बोला तूने गुंदलावार गुफा के अंदर गुंदलावार गुफा मतलब कि गुफा का भूल भुलैया। तो भाई एक्चुअली गुफा जो है स्टार्ट यहीं से होती है और हम यहीं से जाने वाले हैं तो चलिए चलते हैं। थोड़ी सी जो है दूर है लेकिन मैं समझ सकता हूँ मुझे लगता है कि मैं जंप कर लूँगा। ओके जंप कर लिया है मैंने। तो गुफा जो है यहीं से शुरू होती है और ऊपर देख सकते हैं एक पत्थर लटका हुआ है कहीं हमारे पे ये गिर ना जाए। चले चलो लकी भाई आगे आगे चलो मत डर लागछी। हाँ चलो ना आगे ना, ना, ना। तो तेरे पीछे मैं हूँ ना बोल लोग तार पर शान लोग एडिटिंग रेट ने कटा है। ओ माय गॉड ये तो अभी से डरने लगा। ना ना मुझे नहीं पता मुड़ मुड़ के डालना चल आगे चल। ओ भाई साहब ये तो डरने लगा है मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा है। इस तरफ क्या है भाई साहब इस तरफ पता नहीं और इस तरफ क्या है बुझी बात है ये भी पता नहीं। तो आगे चलते हैं। तो भाई लोग वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन 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 भाई साहब ये भी एक रास्ता है। छोटू आ रहा है क्या तू जाता हूँ। ओ माय गॉड यहाँ पे कुछ तो है कुछ अभी कुछ चिल्लाया यहाँ पे। तो भाई साहब एक्चुअली हम हैं जो डर गए आधी रास्ता जाके। ये एक रास्ता जाता है ये कहाँ जाता है देखते हैं लेकिन उस तरफ जो रास्ता है भाई साहब हमें तो डर लगा यहाँ पे चारों ओर भूल भुले ऐसा है। नहीं रे भाई चलते हैं नहीं चलते हैं। एक्चुअली भाई लोग हम आधा दूर गए हिम्मत रख के लेकिन आगे जाने के लिए डर लग रहा है भाई साहब। एक सच बात बताता हूँ मैं आपको ये तो बिल्कुल डरा हुआ है इसके चेहरे को देखो। नहीं हम गुफा की ओर तो नहीं जा सके लेकिन मैं आपको आया हूँ तो बेहतरीन से बेहतरीन नज़ारा दिखा के ही जाऊँगा। तो चलते हैं एक और व्यू पॉइंट की ओर और ऊपर जाते हैं और दिखाते हैं आपको। अब ये वाले रास्ते से जो मैं पहले बताया था लैब लेकर जाना होता है ये वाले रास्ते से अब आते हैं तो ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। हालांकि व्यू पॉइंट ऊपर और भी है हम जाने वाले हैं आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा सबर तो कीजिए यार रुको जरा सबर करो। यहाँ से भी एक अच्छी व्यू दिखता है लेकिन टाइम शायद टाइम की कमी की वजह से हम वहीं पे नहीं जा रहे हैं। हम मैन जो स्पॉट है वो सबको वहीं पे तो मैं फंस गया था वहीं ना फंस पाते। हाँ कितनी अच्छी जगह है ना वो देखो भाई साहब वो है रोड रोड। Oh
साहब कैसी कैसी रास्ते पे आना होता है। तो भाई लोग कैसी कैसी रास्ते पे देखो हम चले आते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट बनता है यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई को, लाइक सब्सक्राइब करो। क्या देख रहे हो भाई, अभी करो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो। हाँ घुस जाना अंदर, घुस जा घुस जा। ओ माय गॉड, इधर देखो ओ भाई साहब, भाई साहब क्या नज़ारा है, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। एक्चुअली हम वहाँ पर गए थे जो हनुमान जी की प्रतिमा जो स्थापित है वहीं पे है, और यहाँ से ये नज़ारा। हालांकि इसके ऊपर भी जाने के लिए रास्ता है लेकिन हम जाएंगे नहीं, इतनी जोखिम हम नहीं उठा सकते भाई साहब, माफ़ करना इतने जोखिम। तू जा रहा है, जा जा जा। तो ये जोखिम भी हम देखते हैं ले सकते हैं क्या। हाँ वहीं से रास्ता है ना, वहीं से नीचे से जाने जाना होता है। चल चलो, लेकिन हम तो हैं खतरों के खिलाड़ी, लकी भाई खतरों के खिलाड़ी। चल चल चल, अभी मैं इंस्टा मिलियन नहीं बोलूँगा, इस बार मैं बोलूँगा तुझे खतरों के खिलाड़ी। ओ तो जैसा मेरा चैनल का नाम है एडवेंचर ऑफ लाइफ, आज हो रहा है फुल एडवेंचर, फुल एडवेंचर हो रहा है भाई साहब, फुल एडवेंचर। ओ ओ माय गॉड, देखो 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 कहाँ आ गए हम। ओ माय गॉड, पिछली बार जब मैं आया था तो वहीं से रुक गया था, रुक नहीं गया था, वहीं से मैं चला गया था नीचे, और इस बार देखो कहाँ कहाँ आ गया मैं। एक्चुअली मैं एक बात बता दूँ, ये सब हो पा रहा है लकी भाई की वजह से। ए मैं तो अटक गया यार, हाथ दे हाथ दे ना हाथ दे। ओ माय गॉड, भाई साहब मैं जो बोल रहा था गुफा का भूल भुलैया, ये देखो ये चारों ओर है। ओ भाई साहब, भाई साहब क्या लग रहा है यार। भाई लोग भाई लोग भाई लोग, जो मेरे सारे जो दोस्तों हैं ये वीडियो तो देख रहे होंगे आप, और ये वीडियो देखने के साथ साथ मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा जलन महसूस हो रहा होगा, लेकिन कोई नहीं यार, ज़िंदगी को ऐसे जिया जाता है। एक्चुअली वो गुफा का भूल भुलैया वो सब है ना, वो सब है गुफा का भूल भुलैया वहीं पर है, लेकिन भाई साहब वहाँ रास्ता पे बिल्कुल अंधेरा है, भोरे बहुत ही रिस्की है अंदर जाना है। तो दोस्तों एक्चुअली है जो हमारी डेयरिंग गिरी जो है अभी तक ख़त्म हो गया है, ऊपर गए और ऊपर से जो है एक आंधी सा आ रहा है, तो हम जा रहे हैं अभी नीचे। तो भाई साहब वीडियो अच्छा लगा हो तो, मुझे लगता है अगर आप अभी तक देखते हैं तो अभी तक देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नज़ारा भाई, ये नज़ारा, ये जो है सिर्फ और सिर्फ
पूजा डुंगरी में मिलेगा। तो भाई साहब, हम जो है दोनों व्यू पॉइंट को आज कवर कर सके, और बहुत कुछ है यहाँ पे जो हमने आपको दिखा नहीं पाया। एक्चुअली जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर हम आपको आज ही ये वीडियो में सब कुछ दिखा देते तो हम नेक्स्ट टाइम आने के लिए कोई वजह ही नहीं बचता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं।